बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी इन दिनों दिल्ली में है और पहली बार बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के दिल्ली दौरे को काफी ज्यादा पर्चा में बनाया गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी किस समय कहां पर होती है किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन पहली बार ये पता चला है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी लखनऊ से दिल्ली चली जा चुकी है और दिल्ली में वो इतने दिन से रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर लोगों में ये चर्चा बनी हुई है कि 2024 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ये तैयारी कर रही है और नेताओं से मुलाकात कर रही है। खबर यह मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी कई सारे नेताओं से मिलकर फीडबैक ले रही है और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी दिल्ली में इसलिए कि देश भर के जितने भी कार्यकर्ता वो दिल्ली आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में पहुंचने के बाद वो अलग अलग जो स्टेट है उन स्टेटों की वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन राज्यों के अंदर कैसी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की है और किस पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है और गठबंधन होगा तो किस तरीके से होगा, क्या आगे की रणनीति होगी। इन तमाम चीजों पर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के इन दिनों नजर है और लखनऊ के अंदर उन्होंने हाल ही के अंदर यूपी के लिए बैठक की थी और उसके बाद वो दिल्ली चली गई थी। दिल्ली के अंदर आते ही उन्होंने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ राज्यों के जो पदाधिकारी नेता थे उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद सबसे पहले हरियाणा में बड़ा बदलाव किया। हरियाणा की कमान है वो युवा प्रदेश के नेतृत्व को देने के साथ साथ ही हरियाणा में काफी बड़ा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी इन दिनों अपने बसपा के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारियों और साथ ही साथ आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रही है और मुलाकात करने का पीछे का मकसद 2024 का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी जानती है कि अगर इन चुनावों के अंदर उनकी पार्टी एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत लेकर नहीं आती है तो फिर उनका राष्ट्रीय जो तमका है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय तमके को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगा रखी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ इन चार राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी की पूरी नजर बनी हुई है। बात साफ है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के अंदर पूरी तरीके से रणनीति के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।